हो गई पैकिंग? हाँ हो गई। तुम अपना सामान ले आए? हाँ वो बाहर रखा नीचे। ये क्या है? ये गिफ्ट लाया हूँ मैं बीना के लिए। ओह गॉड, मैंने तो उसके लिए कुछ लिया ही नहीं। अरे डोंट वरी, एयरपोर्ट पे सब कुछ मिल जाता है, जो चाहो ले लेना। हाँ ये ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि बीना को फोन किया कि तुम आ रही हो? मैंने फोन किया था, उसका फोन ऑफ जा रहा है। अच्छा मैं दोबारा। नहीं 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 रहने दो, हम वहां जाकर उसे सरप्राइज देंगे। हाँ ये ठीक है। तुम इस तरह करो कि अपना सामान पैक करके जल्दी से नीचे आ जाओ। ओके जस्ट कमिंग। क्यों खुद पे जबर कर रही है? क्यों परेशान है? ये तुमने ठीक नहीं किया है रहम। नानो नानो, मैं जान तो मैंने ठीक नहीं किया, आपको इस तरह से परेशान देख के मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। शायद मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करूं नानो। आखिर ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा राज है जो आप इतने साल से अजियत में रह रही हैं? अगर मारिया आंटी का बीना से कोई रिश्ता है तो मुझे उससे क्यों अपना अयत महसूस होती है? नानो आप बताए ना, आखिर क्या बात है? अगर हकीकत जानना चाहते हो तो सुनो, खावर ने समिया की मां से पहले मारिया से शादी की थी। What? मारिया आंटी से? हाँ, मारिया बीना की मां है और खावर की पहली बीवी। God. मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं? मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, चली जाओ यहां से तुम। लेकिन आप बैग क्यों पैक कर रही हैं? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती हूँ। दादो की मोहब्बत के लिए तरसती रही हूँ। दादो ने मुझे सिर्फ पैर समझ के रखा। लेकिन नानो इस सब में बीना का तो कोई कसूर नहीं है। मुझे मालूम है कि वो मेरे बेटे का खून है, लेकिन उसे गले लगाकर मैं खानदान को रुसवा नहीं कर सकती थी। सारे सिलसिले में बीना का क्या कसूर था नानो? वो तो बेकसूर है। हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं समझती थी कि वो भी मारिया की तरह। नहीं नानो, बीना मारिया आंटी की परछाई नहीं है। उसमें वो तमाम खूबियां जो आप में हैं, खावर मामू में, वो बिल्कुल हम जैसी है नानो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब मैं बीना को अपने से जुदा नहीं करूंगी, वो इसी घर में रहेगी मेरे साथ। नानो बीना जा रही है। बीना जा रही है? बीना कहाँ जा रही हो तुम? दादो प्लीज मुझे मत रोकिएगा। अगर मैं तुम्हें रुकने के लिए हुक्म भी दूं तब भी नहीं? जब मैं इस काबिल ही नहीं कि आप दुनिया के सामने मुझे तस्लीम कर सकें, तो मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। बेटे मैं तस्लीम करती हूँ कि तुम मेरा खून हो, मेरे खावर की औलाद हो, फिर भी तुम मुझे तड़पता हुआ यहाँ छोड़ के चली जाओगी? वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। कभी नहीं दादी, कभी भी नहीं। अभी महीने के शुरू में मैंने पैसे दिए थे, कहाँ खर्च हो गए? अब क्या आप पाई पाई का हिसाब लेंगे मुझसे? आलिया बात हिसाब की नहीं है। तो फिर क्या बात है? क्या बात है कि इतनी सैलरी होने के बावजूद आपके पैसे पता नहीं कहाँ जाते हैं? अय्याशियां करता हूँ मैं, जुआ खेलता हूँ, और
और तुम कहना क्या चाहती हो? प्लीज रहमान, प्लीज मेरा दिमाग मत खराब कर। आपकी माँ बहुत है मेरा दिमाग खराब करने के लिए, अब आप मत शुरू हो जाएं। रेहान जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलें। बैठोगे तो बताऊंगी ना। बोलें क्या बात है? क्या बात है? तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो? मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? आप नहीं, वो मुझे अज़ियतें दे रही है, बातें सुना रही है मुझे। अरे तो क्यों सुनते हो इसकी बातें? कब से समझा रही हूँ, हाथ पकड़ो और घर से बाहर निकाल दो इसे। लेकिन तुम्हें मेरी बातें समझ में आए तब ना। मम्मी ये फजूल के मशवरे आप मुझे मत दें, मैं ही निकल जाता हूँ घर से। मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, देखना इससे भी बुरा हशर करेगी तुम्हारी बीवी। लड़का सुनता ही नहीं। मैं किचन में जाके देखूं कुछ बनाए खाने के लिए या नहीं, मैंने तो भूखा मार दिया मुझे। वैसे मैं सोच रहा था कि तुम निकल के जा कहाँ रही थी। पता नहीं, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्या मतलब? मतलब समंदर में कूद के जान दे सकती थी, किसी पुल से गिर सकती थी, या फिर जहर खा के। बस 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 जनाब, बहुत हो गए आपके मशवरे। इतने मशवरे की मुझे जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, अगर अभी मूड नहीं है तो फिर कभी सही, विदाउट फीस दूंगा, सेकंडों में जान जाएगी, बता रहा हूँ। बस बस रहम, बहुत हो गया। सच कहूँ तो तुम इस तरह से खुश देखकर मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। ये थैंक यू भी बचा के रखो, उस वक्त काम आएगा जब मैं तुम्हें खावर मामू से मिलवा दूंगा। तुम वाकई पापा से मिलवाओगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। लेकिन दादू नहीं मानेंगे। नानो को मैं संभाल लूंगा, जहां उन्होंने इतनी बातें एक्सेप्ट की हैं, ये भी मान जाएंगी। डोंट यू वरी, मैं हूं ना। दुआ करती हूँ कि वो दिन जल्दी आ जाए। इंशाल्लाह। वैसे बताओ तो, मूड है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास। अच्छा, सही बात है, बहुत सारे ऑप्शन हो गए, अब बस। आज मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ कमाल जी। बरसों से मैंने अपने आप को जंजीरों में जकड़ रखा है और आज मुझे आजादी मिली। खून के रिश्तों में बड़ी लचक होती है और बहुत मिठास। बीना बेटी को आपने गले लगाकर बहुत बड़ा काम किया बेगम साहब। कमाल मियां, राहम ठीक कहता है। इस सारे किस्से में उस बच्ची का क्या कसूर? यकीन मानिए, आज जब उस बच्ची को मैंने अपने सीने से लगाया, मुझे लगा मैंने अपने खावर को गले लगा लिया। उसमें मुझे वही खुशबू महसूस हुई जो खावर को गले लगाने के बाद आती थी। बजा फरमा लिया। तो सब एक बात से मैं बड़ा फिक्र हूं। वो क्या? कि बीना बेटी की माँ के लिए आपने क्या सोचा? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी रात के खाने में क्या बनेगा। ये सोचने की अब जरूरत नहीं है,
क्यों? अपने साथ सबको भूखा रखने का इरादा है? जी नहीं, सबको डिनर पर ले जाने का इरादा है। हाँ, आपने जो काम किया है उसके लिए एक बहुत अच्छा डिनर तो बनता है। ठीक है, अच्छा सा तैयार हो जाना। आपकी इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ गई है। अच्छा। और बीना भी बहुत खुश है। हाँ, बीना बहुत खुश है क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया कि जब तक वो इस घर में उसे हर खुशी दूंगा और खबर मामू से भी मिलूंगा इंशाल्लाह। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आपकी बातें सुन रही थी। अच्छी लगी? बहुत। फिर तो तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाना चाहिए। कहाँ जाए? नाम के पास आपकी शिकायत लगानी। ऑयल वगैरह चेंज किया था गाड़ी का, मगर उसकी गड़गड़ाहट नहीं खत्म हो रही। अब ये कि कल मैं इसको भेज देता हूँ सर्विस के लिए, बाकी जो काम होगा मैकेनिक बता देगा। ठीक है, आप जाए। हाँ आयशा, तुमसे मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी नानो। इस घर में तुम काफी अरसे से हो और इस घर के तमाम हालात से बखूबी वाकिफ, हर बात जानती हूँ, लेकिन अगर इस घर की चार दीवारी से कोई भी बात बाहर निकले तो सबसे पहले सवाल हम तुमसे करेंगे। नानो, आप मुझ पर भरोसा रखें, इस घर की बात कभी बाहर नहीं जाएगी। एक बात और करनी है मुझे तुमसे। जी। बीना के बारे में जो हमारे दिल में शुकूक और शुबहात थे वो तो अब दूर हो चुके हैं, इसलिए जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था राहम के करीब रहने का, उससे मैं तुम्हें अब आजाद करती हूँ। अब तुम राहम से जरा दूर रहना। तुम यहाँ क्यों आए हो? आशी का पता करने आया हूँ मैं। कहाँ है वो? मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? क्योंकि मैं उसका शौहर। तुमने उस पर इतना जुल्म किया, हराम कर दी उस बच्ची की जिंदगी। अब वो जहाँ है ना खुश है। अब उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करो। देखो, सही तरीके से बता दो मुझे, वरना वरना क्या कर लोगे तुम? पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवाऊंगा। तो तुम लोगों ने मेरी बीवी को कहीं गुम कर दिया। तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा सकती हूँ और कहूंगी कि तुमने अपनी बीवी पे तशद्दद की है, हंसते बेजा में रखा हुआ था तुमने। और तुम्हारा साथ कौन देगा? मेरा साथ ये पूरा मोहल्ला देगा और गवाही भी तुम्हारे खिलाफ देंगे। और तुम यहाँ दोबारा नजर आए ना तो पूरे मोहल्ले वाले को इकट्ठा करके तुम्हें पिटवाऊंगी। इतना पिटवाऊंगी ना कि अपने आप को तुम पहचान भी नहीं पाओगे, समझे? देख लूंगा तुम लोगों को मैं। अरे कहाँ रह गई? भूखा मारोगी क्या मुझे? जल्दी दो खाना। एक मिनट, बुढ़िया के खाने में पुड़िया डालो। क्या है ये? नींद की दवा। इससे क्या होगा, खाके मजे से सो जाएंगी? हम सोने देंगे तो सोएगी ना। मिलाए मिलाए। ये लीजिए, ठूसे खाना। ये क्या बदतमीजी है? भूख लग रही है ना, खाना खाएं चुप करके।
अरे मैं अपने बेटे का खाती हूँ, तुम्हारा नहीं खाती। ज्यादा जलने की जरूरत नहीं है मुझसे। जायके में तो खाना अच्छा लग रहा है। शुक्र है मेरी बनाई हुई कोई चीज आपको अच्छी लगी। अरे बेटे मेरे कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया? जी दादू कर दिया। वैसे बहुत प्यारी लग रही है आज। अच्छा अरे राहम आया नानो। अभी चलो ना। जी नानो चलें। बस आशी कहाँ है? जी मैं आ गई। क्या तुम भी चलोगी क्या? जी नानो वो इन्होंने कहा था कि तुम तो नहीं जा सकती भाई। क्यों नानो ये क्यों नहीं जा सकती? अरे भाई घर पे कौन रहेगा? तो नानो कमाल बाबा है ना। अरे कमाल बाबा से कहाँ घर संभलेगा? किसी ना किसी औरत का घर पे होना बहुत जरूरी है। अच्छा ऐसा करती हूँ मैं नहीं जाती। नहीं नानो आप जाएं। वैसे भी मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैं रुक जाऊंगी। अब आप लोग इसी बारे में बहस करते रहेंगे क्या? वैसे ही हम बहुत लेट हो गए हैं। हाँ मेरे ख्याल से चलो। अच्छा हाँ भाई कुछ चाय वाय बना लेना और ज्यादा दर्द हो ना तो गोलियां खा लेना थोड़ी सी। ठीक है चलो भाई आ जाओ। हाय चलो भाई। I'm sorry. क्यों आपने ऐसा क्या किया? हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे।